नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सीबीएसई 12वीं के नतीजे शुक्रवार दोपहर 2 बजे घोषित कर दिए गए। टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर का भी रिजल्ट आ चुका है। टीवी के पॉपुलर शो पटियाला बीब्स की एक्टर अशनूर कौर ने भी 12वीं में शानदार अंक हासिल किए हैं। आपको बता दें, अशनूर कौर ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल किए हैं। एक्टर अशनूर कौर झांसी की रानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है और पटियाला बीब्स जैसे धारावाहिकों और संजू और मन मर्जियां जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अशनूर ने बताया कि उनको रिजल्ट जानकर बहुत खुशी हो रही है। अशनूर ने कहा कि मैं अच्छा और सुशिक्षित महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने 10वीं में 93% अंक हासिल किए थे और इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे 12वीं में इससे ज़्यादा अंक मिलने चाहिए। अशनूर ने कहा कि मैंने नए प्रोजेक्ट भी नहीं लिए क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। 12वीं के बाद अशनूर क्या कोर्स करने वाली हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैं BMM यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया करना चाहती हूँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। अपने मास्टर्स के लिए अशनूर विदेश जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि अभिनय के अलावा वो फिल्म निर्माण और निर्देशन भी सीखना चाहती हैं। अशनूर कौर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने सपनों का घर बुक कर लिया है। आपको बता दें, अशनूर ने हाल ही में मुंबई में अपना नया घर खरीदा है। बता दें कि अशनूर कौर टेलीविजन जगत की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। पहले बतौर चाइल्ड स्टार और बाद में कई टीवी सीरियल्स में लीड रोल निभाने के बाद अशनूर कौर अब घर घर जाना पहचाना नाम बन गई हैं। हालांकि टीवी सीरियल पटियाला बेब्स के बाद अशनूर कौर ने कोई अन्य टीवी प्रोजेक्ट नहीं किया है। इसके बजाय अभिनेत्री अब म्यूजिक वीडियोस की भी शूटिंग में बिजी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।